नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मगठाने विधानसभा से राकपा कांग्रेस अघाड़ी के उम्मीदवार मणिशंकर चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें स्थानीय लोगों का अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। कंदवली के ठाकुर विलेज में आयोजित एक कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिविर में यह देखिए, भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इस कार्यकर्ता शिविर में राकपा कांग्रेस एवं मित्र पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में एनसीपी के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक सूत्रालय सहित सहयोगी पार्टियों के नेतागण मौजूद होकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आइए हम आपको सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए इंद्रपाल सिंह एवं मणिशंकर चौहान ने और क्या कुछ कहा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई प्रदेश का और उत्तर मुंबई जिला का अध्यक्ष करके मैं बता रहा हूँ। ये मागाठाने विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस के मणिशंकर चौहान साहब ये बहुमत से चुन के आएंगे। हमारा बुद्धिस्ट समाज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग भारी वोटों से उनको जिताएंगे। उन्होंने काम कुछ खास नहीं किया, अभी अभी वो नारियल फोड़ रहे हैं बहुत जगह पे जाकर, और भाजपा के भी प्रवीण दरेकर भी नारियल कई जगह जाके फोड़ रहे, दोनों में नारियल फोड़ने की एक स्पर्धा चली खाली बस। बाकी वो चार साल तक सोए रहे, और मैं इतना कहता हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है। और इस अब जो महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम कल ही बढ़ गए, गैस के दाम कल ही बढ़ गए, और बैंक बंद हो रहे हैं, नोटबंदी से लेकर आज तक अपना ही पैसा निकालने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। ये आमदार ने क्या किया? यहाँ के 5,000-6,000 लोग हैं जिनका पीएमसी बैंक में अकाउंट है, किसी के लिए कुछ नहीं किया इसने। तो अभी जरूर इसको हम मात देंगे। राष्ट्रवादी ने इनको बड़ा किया था, राष्ट्रवादी इनको घर बिठाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अभी तो आप देख रहे हैं कि ये दो चार ही बैंक का सामने आया है कि बंद हुए, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे मैसेज हैं कि बहुत से बैंक बंद होंगे, बहुत से लोगों का पैसा जाम होगा, क्योंकि इन्होंने उद्योगपति को हम लोन देंगे ऐसा अमित शाह कहते हैं। हम फार्मर को लोन नहीं देंगे जो 70% है इस देश में, लेकिन उद्योगपति को लोन देंगे, और उद्योगपति के लोन जो है 4,000 करोड़, 9,000 करोड़, 15,000 करोड़, 13,000 करोड़, इसके नीचे नहीं है। इसीलिए 13,000 करोड़ तक का लोन ये लोग देते हैं, तो परिस्थिति यही होगी, बैंक डूबेगा। आने वाले दिनों में इतनी भयंकर परिस्थिति हो जाएगी कि इंसान इंसान को मार के खाएगा। और मुकाबला करेगा विपक्ष काफ़ी मजबूत है, बिखरा हुआ नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि विपक्ष की आगाड़ी तो पहले हो गई, इनकी युति तो लास्ट मोमेंट में जाकर डिक्लेयर हुई है। तो विपक्ष ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे जानपुर डैम, और सभी मैं कहता हूं कि यहां पवार साहब ने जितनी सभाएं ली हैं, इस उम्र में हमारा नेता इतना दौड़ता है, इतना काम करता है, इतने लोगों से मिलता है, इतना संपर्क करता है, इतने लोगों को मिलने की उसकी भूख आज भी है, उसका परिणाम वोटों में परिवर्तित होगा। राष्ट्रवादी के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक चुन के आएंगे, अब ये मैं दावा करता हूँ, और इसका पूरा श्रेय मैं माननीय शरद चंद्र पवार साहब को देता हूँ। हम घर घर जाके लोगों से संपर्क करके हमारे मुद्दे जो है लोगों के हितों के लिए जो हमारे मुद्दे हैं वो उनसे हम अवगत उनको कराएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो हमारे निष्क्रिय आमदार है उनके बारे में हम उनको बताएंगे कि हमारे आमदार 4.5 साल के बाद में जागते हैं, भूमि पूजन का उनको सपना इलेक्शन के 3-4 महीने पहले आता है। उनको पता है कि ये भूमि पूजन जो मैं कर रहा हूँ वो इस समय में हो नहीं पाएगा, और जैसे इलेक्शन होगा उसके बाद में जो उन्होंने किया था वो ख़त्म। और उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसा निष्क्रिय आमदार हमारे मागाठाने को पहले कभी भी नहीं मिला है। वो हमें
हमेशा दिखाते हैं मैंने ये काम किया वो काम किया, सिर्फ उन्होंने काम पेपरों पे किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो उन्हें अपने कामों को गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काम बोलता है। वन विभाग की समस्या है, काफी दिनों से लंबित पड़ी है, अब चुनाव आया तो उसको सुलझाने की बात की है। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इस वन विभाग की जमीन के मुद्दे को लेकर हमेशा इस एरिया के जो आमदार रहे हैं राजनेता उन्होंने उनको छला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा इन नेताओं के अंदर एक इच्छा शक्ति का अभाव है, इस वजह से इस वन विभाग की जगह पर उन्हें घर नहीं दे पा रहे। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो गवर्नमेंट के अंडर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, अब जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस गवर्नमेंट के अंडर आता है तो आपको इतना याद होगा धारा 370 हटाने के लिए इस सरकार ने एक अलग से प्रावधान बनाया, एक अलग से कानून बनाया। जब उसके लिए आप एक अलग से कानून और कायदा बना सकते हो तो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पे स्थानिक जो लोग यहाँ पर बसे हुए कई सालों से उनको घर देने के लिए एक अलग कानून कायदा क्यों नहीं बना सकते हो? और इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगर इस क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता मुझे मौका देगी और मेरे जो मुद्दे हैं जो वन विभाग की आपने जो जमीन के बारे में कहा उसको मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर भोजन न जाए उसमें का मैं हूँ और मैं वो करके ही दिखाऊंगा।